दोस्तों आदाब, विश्वरंग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हुए आइए आपको लिए चलें अगले सत्र की ओर। उम्मीद है आप जरूर तैयार होंगे। आज का जो ये सफर है वो रूहानी है, क्योंकि इसका विषय है भारतीय चित्रकला में मानवतावाद। इसके सूत्रधार के रूप में इतिहास टैगोर को याद करता है। इस समय प्रसिद्ध चित्रकार अशोक भौमिक हमारे साथ हैं। वे आपसे संवाद के लिए आ चुके हैं, इसलिए आइए हम भी चलें और उनसे रूबरू हों। मित्रों, आपको याद होगा कि पिछले साल इन्हीं नवंबर के महीने में हम लोग भोपाल में मिले थे और भोपाल में हम लोगों ने चित्रकला के संबंधित तीन कार्यक्रम किए थे। एक जो हमारा राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें कि हम लोगों ने भारतीय चित्रकला के इतिहास पर 15 लोगों ने बातचीत रखी थी, 15 विद्वानों ने, कुछ उसमें छात्र थे, कुछ युवा थे। और दूसरा ये था कि बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों ने चित्र मंगाए थे, लोगों से निवेदन किया था कि वो अपनी पेंटिंग भेजें और जिससे कि हम एक राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन कर सकें। पिछली बार बहुत बड़ा एक उनका सहयोग मिला, सभी चित्रकार सामने आए और इस बात की हम लोग हरदम ये बुरा भी लगा, हमारी सीमा भी है कि हम मूर्तिकला को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्तिकला को ले आने ले जाने में बहुत कठिनाई थी। और हमने एक कलाकार सम्मेलन भी किया था, आर्टिस्ट मीट भी किया था, जिसमें कि हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से करीब 70 चित्रकार आए थे और वो लोग 3 दिन भोपाल में हम लोग के साथ रहे। और उनसे कोई ऐसा कोई सौदा नहीं था कि भाई आप आके हमारे साथ पेंटिंग बनाइए, पेंटिंग रख के जाइए, जो कि आमतौर से आज हम देख पाते हैं कि आर्टिस्ट कैंप का आयोजन प्रायः होता है। फिर हम लोगों ने आर्टिस्ट कैंप की जगह पर आर्टिस्ट मीट किया था, जिसमें पूरे जितने समय वो लोग रहे आपस में केवल चित्रकला के ऊपर बात होती रही। प्रभाकर कोल्टे जी आए थे, जयकिशन अग्रवाल जी आए थे, उनसे बराबर संवाद बना रहा, वो लोग समृद्ध हुए। और चित्रकला के बारे में हम लोगों ने घोषणा की थी कि हम लोग दूसरा राष्ट्रीय टैगोर प्रदर्शनी करने वाले, चित्र प्रदर्शनी करने वाले हैं। तो इस बार बहुत बड़ी तादाद में हमें उसका रिस्पांस मिला और करीबन 1400 पेंटिंग के जजिंग हो रही है, उसके ऊपर निर्णय आज शीघ्र ही मिलेगा। और जिससे कि हम 5 चुने हुए चित्रकारों को, जैसा कि पिछले साल किया था, 50,000 रुपये प्रति चित्रकार पुरस्कृत करेंगे और साथ में 25 चित्रकारों को विशेष सम्मान के रूप में उनके कैटलॉग में उनके चित्रों को सम्मिलित करेंगे। तो ये इस साल एक ट्रांजिशन है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जो हम लोगों के सपने थे, जो हम लोग की योजनाएं थी, उसको हम लोग और भी बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की ओर से ये दूसरा विश्वरंग के आयोजन के अवसर पर मुझे मानवतावाद और रविन्द्रनाथ ठाकुर की चित्रकला के ऊपर बोलना है। इसके पहले भी कई बार ऐसा अवसर मिला है कि भारतीय चित्रकला और रविन्द्रनाथ ठाकुर, इनके संबंध में कुछ बातें मैंने विभिन्न जगहों पर कही हैं, पर आज जब मानवतावाद के बारे में बात हो रही है और ख़ासकर इस समय में, ऐसे दौर में जब इसको नए ढंग से देखने, समझने और विचारने की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि रविन्द्रनाथ ठाकुर मानवतावाद के बारे में जो बातें उन्होंने कही और चित्रकला में जिस तरह उन्होंने इसको स्थापित करने की कोशिश की, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के ये दूसरे वर्ष का विश्वरंग का आयोजन है, इसमें हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज जिस विषय में मुझे बोलना है वो है मानवतावाद और रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रकला।
मित्रों, मानवतावाद के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो जाहिर है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात आ ही जाती है, और इसलिए भी कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अंधराष्ट्रवाद के विरोध में और मानवतावाद के पक्ष में उन्होंने अपने सब विचार रखे, अपने जो रचनाएं हैं उसी पर केंद्रित की। और इस केवल यही नहीं, जब भी उनको मौका मिला अपने वक्तव्यों में, अपने पत्रों में, अपने निबंधों में, उन्होंने बार बार इस मानवतावाद की स्थापना करने की कोशिश की। और विशेष रूप से हिंदुस्तान का जो माहौल है हमारे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में, मानवतावाद के बारे में बात करना ज़रा कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर आप पेनोफ्स्की के बारे में उनके विचार अगर सुनेंगे मानवतावाद के बारे में, बहुत वो स्पष्ट कहते हैं कि मानवतावाद जो है वो, ये जो कला जो है वो एक मानवतावादी डिसिप्लिन है, अनुशीलन है। अब मानवतावादी अनुशीलन जब हम बात करते हैं, मानवतावादी डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो उसके सामने मानवतावाद को समझने के लिए हम समझते हैं कि उसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक पक्ष तो ये है कि जो मनुष्य और मनुष्य से कमतर जो जीव है उनके बीच जो संबंध है उसके आधार पर मनुष्य मानवतावाद को समझा जाए, या कि मनुष्य और मनुष्य से उच्चतर जो जीव है या अवधारणा है उसके बीच के अंतर संबंध को ध्यान में रखते हुए इसको समझा जाए। जबकि मानवतावाद जो है विशेष रूप से मानवीय और दैवी, इन दोनों के बीच के रिश्तों के बारे में जांच पड़ताल करता है। मानवतावाद ऑथोरिटी या सत्ता या किसी आदेश के विरोध में जाता है, वो उसको नहीं मानता, किसी सत्ता को मानने नहीं मानता है, और साथ ही साथ ये भी है कि वो अपने परंपरा पे बहुत यकीन करता है। मानवतावादी परंपरा पे इसलिए यकीन करते हैं कि परंपरा दरअसल एक ऑब्जेक्टिव, एक वस्तुनिष्ठ चीज है जिसको सामने रख के हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं। क्योंकि मानवतावाद के साथ एक जो परंपरा का जो मसला है, अब परंपरा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के साथ एक गहरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि मनुष्य जो भी कुछ काम करता है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने पीछे दस्तावेज, या जिसे हम बड़े भाषा में कहें तो कीर्तिमान छोड़ता हुआ आता है। अपने पीछे वो जो कुछ भी किया उसको छोड़ देता है, जो आने वाली पीढ़ी उसको देखती है और उसको जांचती है, परखती है और फिर अपना रोड मैप तय करती है। और ये किसी दूसरे प्राणी में नहीं है। हम अपने स्मृति में जो कुछ चीज़ है उसको हम कॉल बैक कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, उसके ऊपर विचार कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो परंपरा जो चीज़ है वो पॉजिटिव ढंग से उसको हम लेते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, ना कि जो घालमेल जो होता है वो आमतौर से परंपरा के साथ धर्म का घालमेल हो जाता है। कुछ धार्मिक जो अवधारणाएं हैं, जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, उसके प्रैक्टिसेस जो हैं उसको हम परंपरा मान लेते हैं। तो इसी समझ के साथ अगर हम छोटी सी बात हम देखेंगे कि चित्रकला में इस धर्म का और इस परंपरा की गलत अवधारणा का असर क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी आपको मैं कुछ पेंटिंग दिखाऊंगा जो कि 16वीं शताब्दी से लेकर अब तक, मतलब 21वीं शताब्दी तक, 16वीं से 21वीं के बीच में हर शतवर्ष के एक अवधि में मैंने एक एक पेंटिंग का चुनाव किया है। अब आप देखेंगे 16वीं शताब्दी में एक विषय पे एक पेंटिंग बनती है, वो है कलीय दमन। हम जानते हैं कि कलीय दमन की कहानी हम आप सभी परिचित है, कृष्ण के लीला का एक महत्वपूर्ण और एक परिचित संदर्भ है, कथा है। अब इस परिचित कथा को युगों तक जनता के दिमाग में परिचित रखने के लिए एक ही विषय को बार बार चित्रों में बनाया गया है। ये भारतीय चित्रकला का एक अंग है। ऐसा नहीं कि मैं केवल कलीय दमन या कृष्ण लीला की बात कर रहा हूँ, पूरे इतिहास में आप देखेंगे कि पुनरावृत्ति है एक ही चीज़ की। जैसे अभी देखिए कि ये चित्र जो है ये 16वीं शताब्दी का चित्र है, कलीय दमन है। कुछ स्ट्रेंज फीचर्स आपको दिखाएं पड़ेंगे कि जो पानी है, पानी का रंग काला है, क्योंकि यमुना की बात की जा रही, यमुना के का जल काला है
वो भी काला किस लिए, क्योंकि वो विषधर जो है उसके विष से वो काला पड़ गया। इस तरह की कथाओं के आधार पर जब हम चित्रण कर रहे हैं तो हमें दिमाग में रखना पड़ता है कि ये जल जो है नीला या निर्मल नहीं हो सकता है, इसको काला ही बनाना है। तो उसके इस कथा को लेके जब हम 17वीं शताब्दी की पेंटिंग में देखते हैं, फिर 18वीं शताब्दी में देखते हैं, फिर 19वीं भी देखते हैं, पर 20वीं शताब्दी में जब बंगाल स्कूल आ गया है, हम लोग आधुनिकता की बात कर रहे हैं, उस समय भी क्षितेंद्रनाथ मजुमदार की पेंटिंग में आपको वही दिखेगा। उसके आगे अगर देखेंगे आप एन एस बेंद्रे की पेंटिंग में इसी विषय पर पेंटिंग है, मकबूल फिदा हुसैन पेंटिंग बनाते हैं इसी विषय पर बनाते हैं, और 21वीं शताब्दी में जो सक्रिय चित्रकार हैं उनमें से कई चित्रकार इसके ऊपर बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें एक बार फिर सोचना चाहिए कि आधुनिक फिर क्या है। अगर मकबूल फिदा हुसैन या कोई भी चित्रकार 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 इस पूरे समय में गणेश, रामलीला, कृष्णलीला और जैसे कलिय दमन मैंने कहा इस तरह के चित्र बना रहे हैं, तो उसमें आधुनिकता कहाँ है और कहाँ से मुक्ति की बात है। और इसी मुक्ति के प्रश्न में, विषय से, संदर्भ से, स्वामित्व से मुक्ति के प्रसंग में सबसे पहले हमें रविन्द्रनाथ ठाकुर याद आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग्स में, उनके जीवन में इस मुक्ति का ही वर्णन है। चित्रों में उन्होंने अपने, आप अगर देखेंगे जैसे मान लीजिए कि उनके किसी भी चित्र में अगर आपने उपन्यास, कहानी, कविताएं, कविताओं के बारे में सोचें, तो उसमें आपको जहाँ पे एक तरफ चित्रांगदा, फिर कर्ण कुंती संवाद, फिर श्यामा पुजारिनी, ये ऐसे कुछ रचनाएं मिलेंगी, तमाम रचनाएं मिलेंगी जो कि पुराण कथाओं पर आधारित है। तो अगर एक तरफ पुराण कथाएं हैं, एक तरफ धार्मिक कथाएं हैं, पर उनका समकालीन संदर्भों में उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसके पात्र नहीं बदले हैं, पर उसकी जो मूल जो मकसद है उस कथा को कहने का, वो उन्होंने उन कथाओं के जरिए एक बात कही है। साथ ही साथ आने वाली पीढ़ी के लिए, जो उस समय जो मेहनतकश लोगों के लिए उनका अचलायतन है, उनका रक्तकर भी है, तो इस तरह ही वैविध्य भी दिखता है। पर जब वो पेंटिंग में आते हैं, जब वो चित्रकला में आते हैं, मैं तो बार बार इस बात को कहना चाहता हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा क्यों नहीं लोग सोचते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन में के अंतिम 10 वर्षों में, वो करीब 80 साल जिए थे, 70 साल की उम्र में उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। हालांकि पेंटिंग तो उसके थोड़ा पहले ही भी करते थे, पर 70 साल के उम्र में उन्होंने सीरियसली पेंटिंग करना शुरू किया। और ये अंतिम 10 वर्ष जो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि हो सकता था कि वो 30 साल की उम्र से लेकर अपने 40 साल की उम्र तक पेंटिंग करते, फिर वो कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक जैसे वो करते थे उसमें जा सकते थे, पर ऐसा नहीं है। वो जब चित्रकला में आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं कभी कविता भी लिखता था। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो कोई कैजुअल किस्म के कवि नहीं थे। उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कविता के लिए, उनका बहुत बड़ा कविता का पूरा समग्र उनका विशाल है। ऐसा व्यक्ति क्यों 70 साल की उम्र में आके कह रहा कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ? वो क्यों भूलते हैं? क्योंकि वो चित्रकला में डूबते चले जाते हैं। बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता के साथ वो पेंटिंग बनाते हैं, और चित्र के साथ न केवल वो चित्र बना ही रहे होते हैं, वो चित्रकला के बारे में बार बार लिखते भी हैं। उन्होंने एक जगह पर कहा है कि मैंने छंद और लय और इन सब चीज़ का जो अनुशासन है, ये मैंने अपने साहित्य से सीखा है, और इसको मैं पेंटिंग में, इसको चित्रों में, रेखाओं और रंगों के जरिए मैं सामने लाता हूँ। उन्होंने जैसे कि एक जगह स्वीकारा है कि मैंने कहीं चित्रकला की शिक्षा नहीं ली है, इसलिए मैं कोई चित्रकला में निपुण नहीं हूँ। पर जिस तरह से उन्होंने कहा था कि कविता और साहित्य के विभिन्न विभागों से जो कुछ भी उन्होंने सीखा था, उसको एग्जीक्यूट करते समय, उसको लिखते समय, उसको बनाते समय, तो वो छंद और लय की जो तमीज़ थी उनको, उसी को उन्होंने चित्रकला में इस्तेमाल किया। पर चित्रकला में इस्तेमाल करते समय जो मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि जब वो नाटक लिख रहे हैं तब उसमें कर्ण कुंती संवाद जैसे विषय पर लिख रहे हैं, या श्यामा लिख रहे हैं, या चित्रांगदा लिख रहे हैं, यानी कि एक विषय को लेकर लिख रहे हैं, एक उसका टाइटल है, एक शीर्षक है जिस पर वो अपनी रचना को खड़ा कर रहे हैं। पर जब चित्रों की बात आती है तो उसमें किसी भी चित्र में कहीं पे भी कोई
पूर्व परिचित नायक हमें नहीं मिलता है, किसी भी चित्र का वो शीर्षक नहीं देते हैं, क्योंकि वो चित्र को अपने संदर्भ से मुक्त करने की बात केवल वो कहते ही नहीं है, वो अपने चित्र में करके भी दिखाते हैं। इसलिए हम उनके चित्रों में प्रायः देखते हैं कि वो एकदम स्पॉन्टेनियस है, स्वतः है, और निकलने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि कोई बिना कुछ सोच समझ के ऐसा काम कर रहा है। हम उनके चित्रों में ये दिखाई पड़ता है कि मान लीजिए कि चिड़िया ही बना रहे हैं, तो चिड़ियों के चित्र उन्होंने बहुत बनाए हैं। अब चिड़ियों के चित्र में हम ये तो शनाख्त कर पाते, ये तो पहचान पाते कि ये चित्र में एक चिड़िया बना हुआ है, पर वो चिड़िया किसी भी हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में जो जितने भी चिड़िया है उसका कोई कॉपी नहीं है। उसको आधार बना के जिस तरह से चित्रकला के जो जो तरीका है, जो नियम है, जो जिस तरह से होता आया है, उसी को बनाते हैं जो कि हम देख रहे हैं, पर ऐसा रविन्द्रनाथ नहीं करते, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो अपनी कृति के हिसाब से वो देते हैं। ऐसा नहीं कि जो कृति ऑलरेडी मतलब पहले से ही जो बनी हुई है उसी का हम अनुकरण कर ले या उसका हम एक कॉपी के रूप में तैयार करें, तो उससे अलग हटके वो अपनी रचना करते हैं। इसी तरह हमें अगर आप देखेंगे इन चित्रों में जहाँ पे उन्होंने फूल का वर्णन किया, इन फूलों में भी उन्होंने अपने तरह के उन्होंने फूल बनाए हैं। तो ये जो अपने तरफ से अपनी रचना एक आदमी, एक चित्रकार अपने ढंग से रचता है, वो किसी से प्रभावित नहीं है, किसी से वो शासित नहीं है, वो कहीं राम कथा या कृष्ण कथा से वो शासित होकर कलियदमन नहीं बना रहा, वो जो बना रहा वो खुद बना रहा, उसके लिए खुद जिम्मेदार है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जैसे रचना के बारे में, इनके चित्रों के बारे में, उन्होंने कभी ये नहीं माना कि ये यूरोपियन आर्ट है, ये इंडियन आर्ट है। एक बार उन्होंने पत्र में एक लिखा भी उन्होंने कि जब मैं कविता लिखता हूँ तब मेरे शब्द मेरे भाव के अनुसार मैं बंगला में आते, क्योंकि बंगला मेरी मातृभाषा है और मैं लिखता भी बंगला में हूँ, पर जब चित्र बनाता हूँ तो वो किसी भाषा में नहीं आते मेरे सामने। जो कुछ बना रहा हूँ उसकी कोई भाषा से मेरे पास नहीं आते, वो मेरी कल्पना से आते हैं और सीधे मेरे कैनवस पर उतरते हैं। इसलिए मैं उतना ही यूरोपियन चित्रकार हूँ जितना कि एक यूरोप का चित्रकार है। इस वक्तव्य में रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानवतावाद, एक उनकी जो वैश्विक दृष्टि है, वो बिल्कुल साफ समझ में आती है कि वो ऐसा नहीं, जो कि आज की तारीख में आज जो हम लोग आसपास देखते हैं, हम लोग का दुर्भाग्य है कि हम ऐसे समय में जी रहे जहाँ पे बिहार के कलाकार कहते हैं कि हम बिहारी चित्रकार हैं, मध्य प्रदेश कलाकार मध्य प्रदेश चित्रकार हैं, बंगाली कलाकार बंगाली चित्रकार हैं। पूरे विश्व के एक सतह पे जाके एक समझदारी के साथ चित्रकला को वैश्विक होना चाहिए था, क्योंकि यही इसकी मूल प्रकृति है। क्योंकि जिस 50,000 साल पहले जो शैलाश्रयों में और गुफा में जो चित्र हमें मिलते हैं बनाए हुए, उस समय क्या कोई भाषा थी? कि कोई भाषा नहीं थी। तो चित्रकला को हम कौशल द्वारा, अपने बुद्धि द्वारा दूसरों के ऊपर ये प्रमाण करने के लिए, ये प्रमाणित करने के लिए कि भाई हम आपसे बेहतर हैं, इस तरह की प्रक्रिया आधुनिक युग में शुरू हुई। पहले तो बड़ी स्वाभाविक ढंग से लोग बनाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बार बार उस स्वाभाविक, वो आदिम, उस बेसिक चीज में जाने की बात करते हैं, अपने चित्रों में तो कम से कम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरों के चित्रों के को तारीफ नहीं करते या ग्रहण नहीं करना चाहते। उनके आसपास, उनके उनके घर के अंदर 1901-1910 के बीच में बंगाल स्कूल अपना एक रूप ले रहा था, और जिसके दर्शक के रूप में रविन्द्रनाथ थे पर उसमें शामिल नहीं हुए थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों में जो मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत खासियत है, बहुत विशेषता है, एक बात इस बात की है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर के पेंटिंग में हमें लैंडस्केप मिलता है। तो बड़ा आसान लगता है आज के 2021 में आके, 2020 में आके हम जब देखते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर की पेंटिंग में लैंडस्केप है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है। पर दोस्तों, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे रविन्द्रनाथ ठाकुर के पहले भारतीय चित्रकला में जो नहीं है, जो अनुपस्थित है, वो लैंडस्केप अनुपस्थित है। हमारे यहाँ नायक नायिका के पीछे एक पृष्ठभूमि के रूप में कुछ पेड़, कुछ जंगल, कुछ पहाड़ी, कुछ पानी, ये सब दिखाई पड़ जाता है, पर लैंडस्केप नहीं दिखता है, जिसे कि शुद्ध रूप से हम कहते हैं कि एक दृश्य चित्र। जबकि हिंदुस्तान में जितने पहाड़ियाँ हैं, जितनी नदियाँ हैं, जितने खूबसूरत आपके रेगिस्तान हैं, ये सब के सब हमारे चित्रों में गैर हाजिर रहे।
इसका कारण यह है कि हमने आंखें खोलकर दुनिया को देखना नहीं सीखा, आंखें बंद कर देवी देवताओं की कल्पना की और उनके लीला कथाओं को चित्रित किया। क्योंकि निकोलस रियोरिक जो रशियन आर्टिस्ट थे, उन्होंने वो जब हिंदुस्तान में आते हैं तो वो हिमालय के ऊपर नायाब चित्र बनाते हैं। आप देख सकेंगे इलाहाबाद म्यूजियम में भी है और नगर में भी उनके संग्रह हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, पर हिंदुस्तान की चित्रकला में ये नहीं हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उनके लैंडस्केप का है। लैंडस्केप में उन्होंने फिर अगर यूरोप के साथ तुलना करें, यूरोप में लैंडस्केप तो बहुत दिनों से है, जापान में भी लैंडस्केप है, अपने अपने ढंग से लैंडस्केप बनाते हैं। जैसे कि यूरोप में पिछली शताब्दी के शुरू में आपको ऑप्लेन एयर लैंडस्केपिंग था, जबकि आप जाते थे अगर नदी के पास का चित्र बनाना है तो नदी के पास खुद जाके बैठ के आप चित्र बनाते थे, और किसी महल का चित्र बनाना है तो महल के चित्र बनाते हैं, किसी दृश्य का बनाना है तो इस तरह आप बाहर जाके आउटडोर जाके आप पेंटिंग करते थे। और ये प्रक्रिया पहले नहीं थी, पहले लैंडस्केप आमतौर से बने हैं कमरे के अंदर रह के। तो ये जो फ़र्क आया है, इस फर्क में हुआ ये कि जो आप कल्पना करते हैं, जो आपके मेमोरी में है, जो आपकी स्मृति में है, उसको आप कॉल बैक करके उसके आधार पे आप चित्र बनाते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र सभी जो उनके जो लैंडस्केप है, दृश्य चित्र हैं, वो उनके स्मृति के चित्र हैं, उन्होंने कहीं कुछ देखा उसके बाद लौट के आके बनाए हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उसमें लगभग हर दृश्य चित्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर के, उसमें कोई मनुष्य या कोई प्राणी की उपस्थिति नहीं है, उसमें खुला आकाश है। ज़्यादा बेहतर अगर ढंग से कहें तो वो स्काईस्केप है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के लैंडस्केप को हमें विशेष रूप से देखना चाहिए जो कला के छात्र हैं उनको, कि उन्होंने अपने स्मृति से ही उन चित्रों को बनाया है। वैसे तो सभी चित्र उनके अपने स्मृति से ही बने हैं। तो इस प्रकार रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्र जो हैं किसी देश के, किसी प्रदेश के, किसी प्रांत के सीमा पे नहीं बांधे जा सकते हैं, बल्कि वो पूरे विश्व की चित्रकला के साथ अपने को एक जोड़ते हैं और विभिन्न किस्म के जो मीडियम हो सकते हैं उसमें उन्होंने अपनी चित्र बनाए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जहाँ तक मानवतावाद का सवाल है, सब ऐसे तो था, पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस बात को अपने रचनाओं में बार बार कही है। मुझे दो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। एक तो उनके रूस की चिट्ठी में उनके बहुत महत्वपूर्ण रचना है। रूस जब गए थे वो रशिया जाने के बाद, वहाँ पे जो कुछ भी उनका अनुभव हुआ था उन्होंने उस चिट्ठी में, उन पत्रों में अपने को उसके बारे में जिक्र किया था। उसमें उन्होंने एक जगह कहा है कि उनके वहाँ रूस के जो किसान थे उनके बीच में वो बैठे थे, किसानों ने उनसे सवाल पूछा कि आपके यहाँ जो है ये जो धर्म के बीच में जो सांप्रदायिकता है ये तो उभार पे है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसके जवाब में बोलते हैं कि हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जब छोटा था, जब मैं बचपन में, ऐसी कोई सांप्रदायिक भेद नहीं था, कोई धर्म के, दो धर्मों के बीच में इस तरह का कोई झगड़ा नहीं था जो आज है। और ये इसलिए है क्योंकि ये राष्ट्रवाद के विकास का समय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो सांप्रदायिक जो दूरी है, जो आपस में टकराहट है, उसके साथ वो राष्ट्रवाद के उभार को जोड़ते हैं। और इसके संदर्भ में हम दुनिया के विभिन्न जगहों पे आज जो कुछ भी हो रहा है उसको देख और समझ सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब समाज में बदलाव आता है उसको समझना, किसी भी समाज में, अगर रूसी समाज में, इसी पत्र में उन्होंने एक जगह जिक्र किया है कि रूसी समाज में दो वर्ग के लोगों को उन्होंने पहचाना है, और बहुत सुंदर दो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। एक है परश्रम जीवी, जो दूसरे के श्रम के ऊपर जीते हैं, और दूसरा है परिश्रम जीवी, जो श्रम करके जीते हैं। मतलब जो बुर्जुआ क्लास है और जो परिश्रम करता है, सर्वहारा क्लास है, इसको उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, ये उन्होंने वहाँ जाके वो पहचाना। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो मानवतावाद है, चित्रकला है, उनकी रचना है, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनके उन्मुक्त दिमाग का है, उन्मुक्त नज़रिए का है। उन्होंने पूरी दुनिया को देखा, जैसे जापान गए, जापान की उन्होंने
करीब 6 बार 5 बार वो जापान गए हैं, और जापान की उन्होंने बहुत कड़ी आलोचना की उनके राष्ट्रवाद के बारे में, पर उनके चित्रकला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने चित्रों में तो उसका प्रभाव प्राय हमें नहीं देखने को मिलता है, पर 1938 में योने नागोची उनके मित्र थे, जिनके साथ उनका पत्र व्यवहार जो है हमें मानवतावाद और अंधराष्ट्रवाद के बीच की जो अंतर है उसके बारे में बहुत स्पष्ट कुछ चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि जापान 1938 के पहले उन्होंने चीन पर आक्रमण किया था, चीन पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और जापान के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जापान का जो समाज था, उन्होंने इस युद्ध को समर्थन दिया था, ये कहते हुए कि हमारी ये देशभक्ति है कि हम चीन के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और ये एकदम जायज़ है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने कई पत्रों में योने तागुची को बार बार ये बात कही कि उन्होंने अपना पक्ष रखा कि अगर बुद्धिजीवी ये कहता है कि हम देश प्रेमी हैं, देश प्रेम का लक्षण है कि हम दूसरे मुल्क पर आक्रमण करें, तो ये बहुत गलत है। आप सोचिए उस समय के उस दौर को कि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति बैठा 1938 में इस बार बात कर रहा है कि एक मुल्क के एक देश के बुद्धिजीवी को कितना मानवतावादी होना चाहिए कि वो किसी गलत काम को जायज़ ठहराने के लिए देश प्रेम का सहारा ना ले। रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में जितना हमने अभी बातचीत की उसमें बार बार आपने देखा होगा कि उनके चित्रों में, उनकी रचनाओं में तो है ही है, एक मानवतावाद का एक की उपस्थिति हमें दिखाई पड़ती है। आने वाले वक्त में रविन्द्रनाथ ठाकुर के चित्रों को उस कोण से भी देखा जाएगा कि इनके चित्रों में मानवतावाद कहाँ है। आज हमारा यही प्रयास था कि इस डिबेट को, इस सोच को हम शुरू करें और अपने सीमित उसमें जितना हम लोग कह सकते थे हमने उस पर बात रखी, और उम्मीद मैं करूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लोग और हमारे साथी इस पर और भी बात करेंगे और उनके चित्र को इस नज़रिए से भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये उनके जीवन के जो विचार थे, मानवतावादी विचार थे, उसके समानांतर उन्होंने चित्र में जहाँ पे कोई भाषा नहीं है, जहाँ पे उन्होंने और किसी भी भाषा से हट के अपनी एक चित्रकला की भाषा के बारे में बात कही थी, वो उन्होंने पूरी तरह से निर्वाह किया है। क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो जिसकी बात हमने एकदम शुरू में कह रखी थी उसी से हम समाप्त करना चाहेंगे कि रविन्द्रनाथ ने कहा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की पेंटिंग जो है वो जिंदगी के जीवन के अंतिम 10 वर्षों में किया है उन्होंने। 70 वर्ष में जो उन्होंने देखा था, जो कुछ समझा था, उन्होंने एकदम सीधे एक पंक्ति में कहा है कि साहित्य के शोर से चित्रकला के नीरवता की ओर मेरी यात्रा रही है। वो साहित्य के शोर के बारे में बात करते हैं, उन्होंने अंग्रेजी में इसको कहा था टॉकेटिवनेस ऑफ द लिटरेचर, फ्रॉम टॉकेटिवनेस ऑफ द लिटरेचर टू द साइलेंस ऑफ अ पेंटिंग, ये उनकी यात्रा है। क्योंकि दुनिया का हर साहित्य जो है वो एक भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, और जो भाषा जो है वो एक मनुष्य की अस्मिता है, एक उस अस्मिता का अंग है, और जब उसमें गौरव पैदा होता है कि भाषा को लेकर हम गौरववान होते हैं, तो धीरे धीरे वो गौरव जो है हमारे घमंड में तब्दील होता है। घमंड में तब्दील जब होता है तो दूसरी भाषा के लोगों को हम कमतर मानते हैं, वो हमारे अपने विरुद्ध में उनको मानते हैं। इस तरह समाज जो है भाषा के आधार पर उसी तरह बढ़ता है जैसे धर्म के आधार पर बढ़ता है, जैसे देश के आधार पर बढ़ता है, जैसे प्रांत के आधार पर बढ़ता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर इस समझदारी के साथ वो पेंटिंग में आते हैं कि ये ऐसा परिसर है जिसमें कोई धर्म, कोई प्रांत, कोई देश की कोई सीमा नहीं है, जिसमें समस्त लोग, समस्त रचनाकार, दर्शक एक लेवल पे हैं, एक सतह पे हैं, और यही मेरे ख्याल से रविन्द्रनाथ ठाकुर के मानवतावाद की सबसे बड़ी समझ है जो पेंटिंग में उन्होंने समझाने की कोशिश की। नमस्कार, धन्यवाद। विश्व रंग के सत्र में आपके साथी, आपके हम सफर
मैं पूजा शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, विश्व रंग कलाओं का आत्मीय घर है। आज आप भारतीय चित्रकला में नारी की उपस्थिति, उसके परिप्रेक्ष्य की सच्चाई को जानेंगे। हमारे मिथक, धर्म, कालजयी ग्रंथों, मंदिरों और साहित्य में नारी के बिना कोई कल्पना संभव नहीं है। चित्रकला में भी उसकी उपस्थिति अनिवार्य बनी हुई है। इस रहस्य को साथियों हम कितना गहराई से जानते हैं, शायद नहीं जानते। तो आइए इस अलग और रहस्य से भरे विषय में सहभागी बनिए। इंतजार हो रहा है, आइए चलते हैं। नमस्कार मित्रों, हम लोग इस साल भी बहुत बड़ी योजना के साथ विश्व रंग का दूसरा एडिशन होने वाला था और हो भी रहा है, पर हम लोग इसके बहुत बड़ी कल्पना कर रहे थे कि इस बार शायद 200 चित्रकार आर्टिस्ट मीट में शामिल हों। पर अपनी सीमाओं के अंदर हमने कहा नहीं, इसको जैसा कि विश्व रंग के रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के चांसलर जी का कहना था कि नहीं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो इस साल उसको आगे बढ़ाया गया। और अभी तक हमने सेमिनार के लिए वो सिनॉप्सिस मंगाए थे, रूपरेखा मंगाए थे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भाग लिया और विशेष रूप से जो कला में शोध कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। और बड़ी, जिस तरह का हमारा विषय था भारतीय चित्रकला का नारी परिप्रेक्ष्य, हमने ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी, पर हमने देखा कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लड़कियों का पार्टिसिपेशन है, जो कॉलेज में है, जो पीएचडी कर रही हैं, ऐसे लोगों का पार्टिसिपेशन मिला और इनका एक संगोष्ठी वेबिनार के रूप में संगोष्ठी हम पेश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिना यादव है। इस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। आपकी समझ में अपना पेपर भारतीय चित्रकला में महिला चित्रकारों की भूमिका लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। भारतीय संस्कृति की पोषिका भारतीय नारी रही है। सृष्टि के प्रारंभ से ही नारी ने सामाजिक जीवन के पोषण में अपनी ममता, वात्सल्य, करुणा, त्याग, कोमलता एवं मधुरता से अपूर्व योगदान दिया है। नारी में निहित नाना गुणों के कारण उसे अनेक संज्ञा से विभूषित कर साहित्य एवं कला में उच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय चित्रकला में नारी के मनमोहक सौंदर्य व विलक्षण गुणों का चित्रांकन आदिकाल से आधुनिक काल में दिखाई देता है। सर्वप्रथम कलागत अभिव्यक्ति के रूप में नारी मातृदेवी, उर्वरक शक्ति और कुल देवी के रूप में दिखाई देती है। कालांतर में अप्सरा का रूप ग्रहण करते हुए अलौकिक नारी की भूमिका में आती है। तत्पश्चात दासी व अबला के रूपों में भी वह सृजित होती है। उसके रूपों का भिन्न भिन्न मुद्राओं में अंकन आज भारतीय चित्रकला की धरोहर है। दुर्भाग्य इस धरोहर के निर्माण में नारी कलाकार की बजाय कला के विषय के रूप में अधिक रही। भारतीय चित्रकला के अतीत का इतिहास सौंदर्य युक्त कलात्मक जीवन से समृद्ध रहा। प्राचीन भारतीय कला में प्रतीकों तथा गुणों के आधार पर नारी एवं पुरुषों का विशेष ढंग से अंकन हुआ है। क्योंकि दोनों ही सहगामी रहे सभ्यता के प्रथम अध्याय में तो दोनों के बराबर हस्ताक्षर दिखाई देते हैं। तथ्यों के अभाव में हम यह जान नहीं पाते हैं कि यह महिला कलाकारों द्वारा चित्रित किए गए या पुरुष कलाकारों द्वारा। परिवर्तन शाश्वत सत्य है। परिवर्तन के साथ प्रत्येक युग, राष्ट्र, समाज एवं समस्त मानव जीवन में बदलाव निश्चित है। नारी के जीवन को अगर भारतीय चित्रकला के संदर्भ में देखें तो उसकी स्थिति, उसके प्रति आदर, सम्मान, यहाँ तक कि उसकी परिभाषा भी हर युग में बदलती रही। भारतीय चित्रकला में महिला चित्रकारों की उपस्थिति एक लंबे अरसे के बाद दिखाई देती है। शायद इसलिए भी चित्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस स्थिति तक आने में बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। पुरुष वर्चस्व वाले समाज में महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नकारने की मानसिकता हर युग में दिखाई देती है। अगर ध्यान दिया जाए तो ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1879 में महिला चित्रकारों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें सर्वप्रथम सुनैना देवी, जो कि ठाकुर परिवार से थी, उनके द्वारा चित्र प्रस्तुत किए गए। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अमृता सेरगिल हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। अमृता सेरगिल जो कि एक आत्मजागृत कलाकार थी और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी क्षमता के बल पर बड़ा मुकाम हासिल किया। इनके चित्रों में, हम नारी चित्रों में खास करके अगर देखें तो उनके चेहरे पर विषाद मानो सदियों से ठहरा हुआ है।
वह गहरी खामोशी व सन्नाटे से भरी हुई हैं, मानो वह सब कुछ कह देना चाहती हैं। इनकी नारी कृतियों में हम मदर इंडिया में इसका सशक्त उदाहरण भी देख पाते हैं। इन्होंने अनेक चित्र चित्रित किए जो कि नारी की दशा से संबंधित थे। इन दोनों महिला कलाकारों के पूर्व हमें भारतीय चित्रकला के अंतर्गत महिला कलाकार आरक्षित दिखाई देती हैं, अज्ञात रहती हैं, अर्थात उनके साक्षी नहीं दिखाई देते हैं। कला जगत में नारी चित्र उपस्थित और नारी चित्रकार उपेक्षित की स्थिति दिखाई देती है। उनकी अनुपस्थिति का कारण पुरुष वर्चस्ववादी समाज में परिवार के प्रबंधन एवं निर्णयकर्ता पुरुष रहे, कुछ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी रहे, जिससे महिलाओं की यह सोच बना दी गई कि वह घर में सुरक्षित हैं और उनके काम घर के कार्य करना है, बाहर के नहीं। महिला चित्रकारों की अनुपस्थिति का कोई एक कारण मानने पर हम एकाकी दृष्टि के दोषी भी हो सकते हैं। समग्र विवेचक के पश्चात इस तथ्य पर अवश्य प्रकाश पड़ता है कि वास्तविक कारण क्या रहे। प्रारंभ में भारतीय शिल्पियों और स्थापतियों द्वारा अपना नाम, अपना परिचय अधिकांशतः गुप्त रखा गया, क्योंकि सृजनकर्ता के बजाय सृजन को ज्यादा महत्व दिया जाता था। इस कारण भी अधिकांश कलाकृतियां अनाम रही। अनामिकता हमारी भारतीय कला की एक विशेषता के रूप में भी शामिल रही। एक कारण यह भी रहा कि हमें मुगल काल से पहले की कृतियों पर कलाकारों के नाम नहीं दिखाई देते हैं। मध्यकालीन भारतीय चित्रकला में ज्यादातर धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों, महाकाव्यों, नाटकों में वर्णित कथाओं पर की आकृतियां चित्रित दिखाई देती हैं, जो तत्कालीन राजाओं के संरक्षण में आश्रित पुरुष कलाकारों द्वारा ही सृजित किए गए। 1970 के दशक में कुछ आत्म जागृत महिला कलाकारों का उदय हुआ। इन चित्रकारों ने अपने संघर्षों, व्यक्तिगत अनुभवों, सामाजिक सत्यता के साथ आत्मा अभिव्यक्ति देना शुरू किया, ताकि नारी की त्रासक स्थितियों का बोध समाज को हो सके। इनकी इच्छाएं समाज में सम्मान, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में समानता जैसे विषय भी रहे। युगों से चले आ रहे सामाजिक संरचना के दोहरे सिद्धांतों तथा रूढ़िवादिता के विरुद्ध पुरुष कलाकारों द्वारा बहुत कम ही चित्रित किया गया। महिलाओं का अंकन मिथकीय चरित्रों पर आधारित ज्यादा रहा, जिसमें नारी के वास्तविक अनुभव के स्थान पर स्थापित आदर्श की प्राथमिकता दिखाई देती है। इसी आदर्श मिथ के चलते वह कैनवस पर भी वही कल्पित जीवन जीने के लिए अभिशप्त रही। इसका प्रमाण हम राजा रवि वर्मा की कृतियों से लेकर बाद के कई अन्य कलाकारों में भी पाते हैं। पुरुष कलाकारों द्वारा महिलाओं के रूप माधुर्य, मोहक, विलक्षण सौंदर्य के साथ दयनीय स्थिति के कुछ चित्र भी सृजित किए गए, परंतु एक पुरुष कलाकार का अनुभव महिला कलाकार के अनुभव से भिन्न होता है, क्योंकि अनुभव की प्रामाणिक अभिव्यक्ति तभी संभव है जब अनुभवों की प्रत्यक्ष अनुभूति हो। इसलिए स्त्री की असहनीय दर्द, उसकी दयनीय स्थिति से संबंधित चित्रण की जो अभिव्यक्ति पुरुष कलाकारों द्वारा की गई, वह स्त्रियों की अभिव्यक्ति कतई नहीं हो सकती। उसके लिए पुरुष कलाकारों को पहले स्त्री होना पड़ेगा। एक महिला चित्रकार खुद के भोगे हुए दुखों, व्यक्तिगत अनुभवों को बिना किसी लाग लपेट के परोसती है, अर्थात सृजित करती है। आधुनिक महिला चित्रकार नल्ली मलानी ने अपने चित्र एक्सपोजिंग द सोर्स में खुद को चित्रित किया, अपने चित्रकार के रूप को दो दशक को चित्रित किया, आनंद को उसमें समाहित किया। आनंद के साथ साथ उसने अपने डर, गुस्सा, वासना, प्यार, इन सब चीजों को अपनी कृतियों में समाहित किया। इनकी एक अन्य महत्वपूर्ण कृति फैमिली ऑफ स्ट्रीट परफॉर्मेंस में एक स्त्री चक्रासन स्थिति में चित्रित की गई है, जिसके ऊपर हष्टपुष्ट बैठे इंसान जो बड़े अभिमान के साथ दोनों हाथों को बांधे बैठा हुआ है। उसके ऊपर क्रमशः दो बच्चे चित्रित हैं, जो संतान परिवार के बोझ को उठाने के वास्तविक स्थिति का बोध कराती है। अर्पिता सिंह के चित्रों में नारी सशक्त रूप में चित्रित की गई है। देवी पिस्तौल वाली इसका सशक्त उदाहरण है, जिनके एक हाथ में पिस्तौल तथा दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाया गया है। इन महिला कलाकारों के अतिरिक्त मीरा मुखर्जी, अनुपम सूद, अपर्णा कौर, अंजलि इला मेनन, देवयानी कृष्ण समेत कई अन्य कलाकार रही, जिन्होंने भारतीय चित्रकला के जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन महिला चित्रकारों ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए शुद्ध कला सृजन से अस्तित्व के नए आयामों को प्रस्तुत किया।
राजा रवि वर्मा से लेकर नंदलाल बसु, एमएफ हुसैन, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, तैयब मेहता के बाद अनगिनत ऐसे पुरुष कलाकार रहे जिन्होंने नारी के जीवन के अनगिनत पहलुओं को अपने चित्रों में समाहित किया। नंदलाल बसु की सती की पीड़ा हो या सूजा की बर्थ कृति में प्रसव की असहनीय पीड़ा को सहन करती नारी, इन कृतियों में पुरुष कलाकार एक दर्शक समान है जो उस स्त्री की पीड़ा झेलने की प्रक्रिया के बाहर खड़ा है। जब कोई पुरुष चित्रकार स्त्री दलन, स्त्री पीड़ा से संबंधित कोई चित्रण करता है तो वह केवल दर्शकीय बोध पर टिकी सहानुभूति ही चित्रित करता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सहानुभूति तदनुभूति का पर्याय बिल्कुल नहीं हो सकता। नारी न सिर्फ चित्र सृजन में बल्कि प्रत्येक निर्माण में अपनी आत्मा का उत्सर्ग करती है। अपनी आत्मा का उत्सर्ग कर वह नव निर्माण करती है। जिस नारी की सृजनात्मक शक्ति के कारण संपूर्ण मानव जाति एवं उसकी सभ्यता संस्कृति प्रवाहमान हो चली, उस नारी से श्रेष्ठतम रचना कोई कर सकता है भला? एक प्रकरण जो प्रत्येक जगह उद्धृत होता है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पुरुष का निर्माण किया, उसे सृजित किया। तत्पश्चात उन्होंने पुरुष को मलिन देखकर नारी का जन्म दिया, नारी को सृजित किया। और वहां पर हम यह देखते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण से यह एक बात साफ हो जाती है कि नारी बहुत ही काबिल और कद्र चीज है। स्त्री की उपेक्षा कर उसके अधिकार आदि का हनन कर एक समाज किस तरह प्रगति कर पाएगा? हमारी भारतीय कला संस्कृति कितनी ही स्त्री कृतियों से परिपूर्ण, उनके प्रति विपुल सम्मान से भरी हुई हो, परंतु वास्तविकता उससे थोड़ा भिन्न है। इस बात का अनुभव करना होगा कि प्रत्येक विचार, साहित्य हो या कला, सभी में संशोधन की आवश्यकता होती है। स्त्री के सेविका रूप को नहीं बल्कि सहायिका रूप को अपनाना होगा। दैवीय नहीं बल्कि आत्मीय सम्मान से ही कला समाज प्रगति कर पाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। द्वितीय टैगोर राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस बार का विषय है भारतीय चित्रकला में नारी परिप्रेक्ष्य। मैं सुप्रिया अंबर इस संगोष्ठी में आपके समक्ष अपना जो शोध पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है आधी आबादी की उपस्थिति और कला। हम यह स्पष्ट देख सकते हैं कि दुनिया भर में क्रूरतम हिंसा की शिकार महिलाएं और बच्चियां ही हैं। आए दिन हमारे सामने महिलाओं और बच्चियों से संबंधित कोई अन्य घटनाक्रम रिकॉर्ड तोड़ते हुए हमारे सामने रख दिया जाता है। लेकिन क्या हिंसा के अलावा भी कोई और विषय है जहां पर महिलाओं को मुख्य पात्र के रूप में देखा जाता है? ऐसा नहीं। तो क्या महिलाओं ने स्वयं ही हिंसक घटनाओं में उपस्थित रहना चाहा और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में अनुपस्थित रहना चाहती थी? ऐसा भी नहीं। तो फिर ऐसा क्यों कि दर्ज इतिहास में महिलाओं का जिक्र न्यूनतम है और जहां कहीं मिलता भी है तो उसके पीछे की वजह उनका रूप और सौंदर्य निकलता है? वैसे तो मैं ऐसे लिखे तमाम ग्रंथों और पुस्तकों की पठन सामग्री को अपूर्ण मानती हूँ जिनमें महिला परिप्रेक्ष्य को बराबरी से प्रस्तुत नहीं किया गया। परंतु जरूरत यह जानने की है कि आखिर जो महिलाएं आरंभ से मानव सभ्यता का केंद्र रहीं, आज भी हैं, वो कहाँ गायब कर दी गई? दुनिया के अन्य हिस्सों की ही तरह इधर कुछ समय से हम देख रहे हैं कि हमारे देश भारत में भी नारीवादी विषयों पर एक बहस की शुरुआत हुई ही है, लेकिन उसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए ऐसा शोर हर तरफ सुनाई दे रहा है। अगर हम इस विषय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि रसोई, जिसे कि महिला का ही कार्य क्षेत्र समझा जाता है, वहाँ भी उसके कार्य कौशल को मूल्यांकन के पहले पुरुष की संतुष्टि के आधार पर देखा जाता है। ऐसे में अन्य किसी भी विषय की तरह कला में स्त्री की उपस्थिति पर निरंतर चर्चाएं और विस्तृत शोध होने अत्यंत आवश्यक है। मेरा यह शोध पत्र उन बिंदुओं को सतह पर लाने का प्रयास है जिनको कला की महत्वपूर्ण चर्चाओं का मूल आधार बनाया जाना चाहिए। कला, साहित्य, सिनेमा मुख्य रूप से समाज के निर्माण को दिशा देते हैं।
इसके अलावा हम अपने धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं को आधार में रखें तो यह समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय समाज का निर्माण करने में पौराणिक कथाओं और ग्रंथों ने भूमिका निभाई। इन बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मैं आपको कुछ प्रचलित कथाओं और उन पर आधारित चित्रों की सहायता से यह बताने की कोशिश करूंगी कि उन कथाओं का हमारे समाज के निर्माण में क्या योगदान रहा। हम यह भी देखेंगे कि पुरुषों ने महिलाओं को अपने कला कर्म का केंद्रीय विषय रखते हुए उनकी छवि को किस रूप में स्थापित या बिंबित किया, जो कि यह भी बताएगा कि पुरुषों के मानस पर स्त्री की छवि क्या रही होगी। हम देखेंगे कि जब स्त्रियों ने अपनी कला का केंद्रीय पात्र महिलाओं को बनाया तब उन्होंने किस रूप में स्त्री जीवन को प्रस्तुत करना चाहा। इस तरह के अध्ययन के बाद हम एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। आरंभ में अगर हम अपनी पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों को देखें तो रामायण महाभारत से जुड़ी कई कथाएं, जिनका विस्तृत जिक्र मैंने अपने शोध पत्र में किया है, जैसे कि माधवी और उसके पिता ययाति की कथा, शकुंतला दुष्यंत की कथा, सत्यवान सावित्री, विश्वामित्र, उर्वशी, रंभा, मेनका, द्रौपदी, हिडिंबा, शूर्पणखा, सीता, मंदोदरी जैसी कई अन्य कथाएं, जो कि कभी भी यह नहीं दर्शाती कि स्त्री का अपना कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व रहा होगा। गार्गी व चकनवी जैसे एक दो स्त्री पात्र अगर हमें कहीं अपवाद स्वरूप दिख भी जाए तो क्या उनके ऊपर लिखी गई कथाओं को उस तरह से प्रचारित किया गया जिस तरह से किसी अन्य पौराणिक कथा में स्त्री पात्र को प्रसारित और प्रचारित किया गया। जयशंकर प्रसाद की कामायनी में एक पुरुष ने बहुत ऊपर उठने का प्रयास किया भी तो नारी तुम केवल श्रद्धा मात्र हो कहकर स्त्री को त्याग की प्रतिमा के रूप में स्थापित कर दिया। ऐसी तमाम लोक कथाएं, दंत कथाएं और पौराणिक कथाएं हमारे समाज के मानसकार निर्माण करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने हमें इजाज़त दी कि महिलाओं पर हिंसा करना, उनके रूप सौंदर्य पर मोहित होना, उनका दोहन करना किसी भी तरह से अनैतिक नहीं, क्योंकि ये सब कुछ तो आदि अनादि काल से हमारे ऋषि मुनियों द्वारा होता चला आया है। हमने यानी कलाकारों ने भी कला के माध्यम से इन्हीं तथ्यों को बार बार स्थापित पुनर्स्थापित भी किया, जैसे कि भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में केंद्रीय पात्र के रूप में शकुंतला, दमयंती, तिलोत्तमा, अहिल्या, मेनका, रंभा, सावित्री, राधा, द्रौपदी के सौंदर्य को चित्रित करते हुए किया। मेरा मानना है कि कला ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम किसी भी खोखली मान्यता को ध्वस्त कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन इसका मामूली सा जोखिम भी पुरुष कलाकारों द्वारा उठाया गया नहीं दिखता। अब हम बात करते हैं मंदिरों की, जो मानव सभ्यता के धार्मिक आस्थाओं का उद्गम है। हमारी आस्था है कि हमारे मंदिर मनुष्य की चेतना के सबसे पवित्र रूप को विकसित करते हैं। मंदिर ऐसे पावन स्थल होते हैं जहाँ की मन के सारे विकार धुल जाते हैं। तो आइए हम अपने धार्मिक स्थलों और आस्था के स्रोत यानी मंदिरों का भी मूल्यांकन कर लेते हैं। हमने भारत के सबसे प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मंदिरों को देखा, जिनमें भारतीय मूर्ति शिल्प के बेजोड़ कारीगरी के साक्ष्य मौजूद हैं। तो मैं आपके बीच कुछ चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि क्रमशः गुजरात के सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो के मंदिर, छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, राजस्थान का रनकपुर मंदिर, महाराष्ट्र का एलोरा मंदिर और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है। यह कहने की ज़रूरत नहीं कि ये सभी इस सत्य को उजागर करते हैं कि ऐतिहासिक महत्व रखने वाले भारतीय धार्मिक मंदिरों में स्त्री को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसने बहुत हद तक भारतीय समाज में एक विकृत मानसिकता को सहज ही स्वीकार करने में सहूलियत दी। कला समाज को प्रभावित भी करती है उसी तरह से जैसे कला समाज का निर्माण भी करती है। अब हम शिल्प कला के आगे अगर देखें तो लोक कला की बात करते हैं, जहां एक तरफ पत्थर काटने की
कला से महिलाएं बहुत दूर थीं, दूसरी तरफ लोक कला महिलाओं के हाथों से उपजी और फली फूली। आप भारत के कई हिस्सों में पाई जाने वाली लोक कलाओं को अगर देखें तो आपको यह समझना मुश्किल नहीं होगा कि जब कला महिला के हाथों बढ़ी तो उसने सामाजिक जीवन के सहज पहलुओं जैसे उत्सवों, दैनंदिन कार्यकलापों को अत्यंत कोमलता और शालीनता बोध के साथ दिखाया। महाराष्ट्र की लोक कला वर्ली में आप इन्हीं विषयों की प्रधानता देखते हैं। बिहार की लोक कला मधुबनी। मधुबनी में देवताओं और पौराणिक कथाओं के चित्रण देखे जा सकते हैं, जिनमें महिला चित्रकारों ने अपने हुनर को बेहद शालीन तरीके से सुसज्जित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। हालांकि लोक कला को इधर जो प्रसिद्धि मिल रही है उसको देखने के बाद उससे जो आर्थिक समृद्धि महिलाओं को मिलनी चाहिए थी वो उन्हें मिल पा रही है या नहीं, ये एक अलग प्रश्न है। अगर हम इस विषय पर आगे बढ़ते हुए भारत के कुछ चुनिंदा और प्रसिद्ध चित्रकारों की कला के कुछ नमूने देखें तो हम यह कह सकते हैं कि भारतीय कला के विषयों के रूप में स्त्री प्रायः मौजूद तो रही, लेकिन कम ही पुरुष कलाकार रहे जिन्होंने स्त्री पक्ष के उन पहलुओं को देखा जिसको आगे लाया जाना चाहिए था। मैं आपको कुछ प्रमुख महिला चित्रकारों और प्रमुख पुरुष चित्रकारों के कुछ चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनको आप क्रमशः अमृता शेरगिल, बी प्रभा, अर्पिता सिंह, नीलिमा शेख, अंजलि इलामेनन, नलिनी मलानी के चित्रों के द्वारा देख सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ पुरुष चित्रकारों के चित्रों को प्रस्तुत कर रही हूँ, जिनमें क्रमशः राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, राम किंकर बैज, चित्तो प्रसाद, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, ए रामचंद्रन और टी मुरली के चित्र प्रस्तुत कर रही। इन सभी चित्रों के माध्यम से हम केवल अभी उनके स्त्री पक्ष के प्रति उनका दृष्टिकोण देख सकते हैं। इन सभी कलाकारों के काम और उनके स्त्री जीवन के प्रति चेतना पर मैंने विस्तार से अपने शोध पत्र पर चर्चा की है और अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सारगर्भित रूप से मैं यह कह सकती हूँ कि भारतीय चित्रकारों को चित्रों में स्त्री पक्ष के उस स्वरूप को सामने रखने का प्रयास करना चाहिए जो हमारी उन मान्यताओं को कमज़ोर करे जिसमें स्त्री को कामुक मुद्राओं की तथाकथित मॉडल के रूप में देखा जाता है। ऐसे चित्र और शिल्प ही मानव सभ्यता को गौरवशाली और सुसंस्कृत बना सकते हैं। मैं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और विश्व रंग के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। शुक्रिया। Gurudev Rabindranath Tagore belongs to the whole of India and indeed to all of mankind. Tagore's works have traveled all over the world and are read in different languages. It is thus fitting that we can celebrate literature and arts in his name.